यार इन्वेंशंस किसे नहीं पसंद है। हम हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे इन्वेंशंस का यूज करते हैं जो हमारे कामों को चुटकियों में कर देते हैं। एग्जांपल के लिए आप अपना स्मार्टफोन ही देख लो भाई, 50 साल पहले किसे ही पता था कि एक समय में हमारे हाथों में एक ऐसी जादुई चीज होगी जिसमें लगभग दुनिया के सारे सवालों का जवाब होगा और जिसमें हम अपने किसी भी फ्रेंड के साथ रियल टाइम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, और अगर फ्रेंड ही नहीं है तो हम किसी को भी अपना फ्रेंड भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीगो ऐप। अब इन्वेंशंस तो इस दुनिया में बहुत से हैं, पर क्या सारे अप्रतिम इन्वेंशंस सभी जगहों पर मौजूद हैं? नहीं ना। तो यारो चलो आज की इस फंटेरेस्टिंग वीडियो में हम दुनिया के कोने कोने से कुछ ऐसे अप्रतिम इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं जिन्हें सभी जगहों पर मौजूद होना चाहिए। गाइज आपने कभी न कभी गाड़ियों से गुजरने वाली हवा को तो जरूर महसूस किया होगा, मगर क्या आपने उससे एनर्जी बनते देखा है? आप अभी जिस डिवाइस को देख रहे हो ना, वो है इनलेट टर्बाइन, जिसे अभी टर्की में यूज किया जा रहा है। ये डिवाइस गाड़ियों से गुजरने वाली हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, और इसके ऊपर लगे ये सोलर प्लेट्स इसको इस काम को करने में मदद करते हैं। यारो ये डिवाइस तकरीबन एक घंटे में 1 किलोवाट तक की एनर्जी बनाता है, जो शहर के 2 घरों को रोशन करने के लिए काफी है। मतलब गाइज सिर्फ एक इनलेट डिवाइस से शहर के 2 घर रोशन हो सकते हैं। तो यारो सोचो सिर्फ इन्हीं डिवाइस को यूज करके हम नेचर को हार्म किए बिना कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वाओ। अच्छा देखो, आप जब भी गांव जाते होगे या फिर किसी ऐसी जगह पर जाते होगे जहां आपके स्मार्टफोन से एक ही आवाज आती है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है, तो इस डिवाइस को देखकर आपको जरूर सुकून मिलेगा। ये है बेटर सिग्नल रेस्ट स्टॉप, जिसे ऑस्ट्रेलिया के बहुत से आउट एरिया में बिल्ड कराया गया है। इसमें एक एंटीना लगा होता है जो बहुत से नेटवर्क सिग्नल्स को एक जगह पर फोकस करता है, और वो फोकस पॉइंट होता है ये होल्डर। मतलब यार वो आउट एरिया में होने के बावजूद भी आप इन होल्डर्स में अपना स्मार्टफोन को रख कर किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गाइज अगर मैं आपसे बोलूं कि यारो अब आप लोग स्मार्टफोन चलाकर भी अपने सिक्स पैक्स बना सकते हो, नहीं ये फोटो एडिटिंग वाला नहीं बल्कि रियल वाला, तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? नहीं ना, पर ये बिल्कुल सच है। और जिस इन्वेंशन से हम ये कर पाएंगे उसका नाम है पेडल चार्जर्स। ये भी फ्रांस के 20 से ज्यादा सिटीज में इंस्टॉल किया गया है, जिसे फ्रांस की कंपनी विवाट ने बनाया है। इसको अधिकतर फ्रांस के पब्लिक स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर इंस्टॉल किया गया है। इस डिवाइस में चार्जर अटैच होता है जिससे आप पैडल चलाकर अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। भाई फ्रांस की गवर्नमेंट भी कितनी चलाक है, सीधा एक तीर से 2 निशाना। अच्छा अब अगर आपको साइकिल चलाकर बिजली बनाना मेहनत का काम लग रहा है तो कोई नहीं, अब आप चलकर भी बिजली बना सकते हो। हाल ही में पेवजेन ने एक ऐसा प्रोटोटाइप निकाला है जिसमें आपके चलने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस कंपनी की माने तो एक एवरेज पर्सन के सिर्फ एक ही फुटस्टेप से ये डिवाइस 5 वाट तक की इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। यारो जिन रंग बिरंगे तरीकों से हम फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हैं ना, उस हिसाब से तो फ्यूचर शॉकिंग होने वाला है। अब देखो यारो, जैसे जैसे हमारे अर्थ की पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे अर्थ की पॉल्यूशन भी बढ़ रही है, चाहे वो फिर एयर पॉल्यूशन हो या फिर ड्रेनेज पॉल्यूशन। अब इसी ड्रेनेज पॉल्यूशन से डील करने के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रॉम वाटर कंपनी ने इन वाटर फिल्टर नेट्स को बनाया है, जो कि बहुत ही सिंपल है बट वाटर पॉल्यूशन को बहुत हद तक रोक देते हैं। ये आइडिया हाल ही में फेसबुक पर भी वायरल हुआ था, जिसे लोगों ने भी काफी अप्रिसिएट किया था। भाई ये इतने अच्छे इन्वेंशंस ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों है, हमारे इंडिया को भी इनकी जरूरत है भाई। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से फ्यूचर में हमारे पेड़ कैसे दिखने वाले हैं? अगर नहीं सोचा है तो इस वाले पेड़ को देखकर आप जरूर सोचोगे। इस सोलर पावर एट्रिकोसोलॉजिक जो कि एक इजराइल कंपनी है उसने बनाया है। ये पेड़ आपको छाया तो देगी ही, साथ ही साथ आपके प्राण में प्राण भी भर सकती है, आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर सकती है, और अगर आपको प्यास लगी हो तो इसमें पानी की भी व्यवस्था की गई है। वैसे ये अभी दुनिया के इकलौते प्रकार के पेड़ हैं जो रात में रोशनी भी देते हैं। इसको अभी के समय में इजराइल के साथ साथ चाइना फ्रांस जैसी कंट्रीज भी यूज कर रही हैं। वैसे इसमें पत्थर मारकर फल कैसे तोड़ेंगे, दैट्स अ प्रॉब्लम। यारो अब जिस इन्वेंशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो लिटरली मेरा अब तक का वन ऑफ द फेवरेट इन्वेंशन है, एंड गारंटी तुम लोग को भी बहुत पसंद आएगा। देखो ये तो हमें भी पता है कि हमें नेचर के साथ मॉडर्नाइजेशन भी बहुत पसंद है, पर भाई प्रॉब्लम तो ये है ना कि जब हम मॉडर्न चीजों को अपनाते हैं तो हमें नेचर को छोड़ना पड़ता है, और जब हम नेचर की चीजों को अपनाते हैं तो फिर मॉडर्न चीजों को छोड़ना पड़ता है। सैड बट ट्रू। बट वेल गाइस, इसी प्रॉब्लम को जानकर सिंगापुर के आर्किटेक्चर्स ने इसका मस्त वाला सॉल्यूशन निकाला है, जिसका नाम है वर्टिकल गार्डन बिल्डिंग्स, जिसमें हमें नेचर के साथ मॉडर्नाइजेशन भी देखने को मिलता है। बिल्डिंग्स के ऊपर लगे ये प्लांट्स पूरे बिल्डिंग्स को तो फ्रेशनेस से भर ही देते हैं, साथ ही साथ बिल्डिंग के पूरे टेम्परेचर को रेगुलेट करते रहते हैं, जिससे अल्टीमेटली बिजली की काफी बचत होती है। यार मैं तो इस बिल्डिंग में जरूर जाना चाहूंगा, क्या आप भी जाना चाहोगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ ये भी जरूर बता देना कि इन सभी इन्वेंशंस में से सबसे बेस्ट इन्वेंशन आपको कौन सा लगा। गाइस ये इन्वेंशंस तो वो थी जिन्हें हर कंट्री में अवेलेबल होना चाहिए, पर चलो आप लोगों को कुछ ऐसे भी क्रिएटिव इन्वेंशंस दिखाता हूं जिसको आप ही
डिसाइड करना कि वो हमारे कंट्री में होने चाहिए या फिर नहीं। आपने आज तक बहुत से रंग बिरंगे अतरंगे छाते देखे होंगे, मगर आपका क्या रिएक्शन होगा जब आप इस छाते को देखोगे? वियर्ड बट काइंड ऑफ जीनियस, डिफेंस स्कूल की उन चुनिंदा चीजों में से एक होती है जिसमें हमें बहुत मजा आता है। और यार इसी मजे को बढ़ाने के लिए डीनिंग, जो कि एक पेन की कंपनी है, उसने अपने पेन्स के कैप्स को कुछ ऐसा बना दिया है। वैसे इन इन्वेंशंस के रिसर्च के दौरान मैंने ऑब्जर्व किया कि आजकल बच्चों के मासूमियत का कुछ ज्यादा ही गलत फायदा उठाया जा रहा है। एग्जांपल के लिए आप इस बेबी पोछे को ही देख लो। और भाई साहब ये क्या है, बेचारा बच्चा भी सोच रहा होगा, हे भगवान ये किस गधे का बच्चा बना दिया तूने, इसको लात मारने का कुछ ज्यादा ही शौक है। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप चाहो तो इन दो फंटरेस्टिंग वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।